ये बहुत लाइट कर दिया। भाई का दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, ये आइसक्रीम ले ली। कितने की थी भाई? 699 की भाई, एक रुपया माफी दिया। देख सकते हैं ये जो हमारे पीछे यमुना नदी है, अभी कुछ दिन पहले कितना ज्यादा पानी हो गया था, बहुत ही ओवर हो गया था, तो पब्लिक परेशान थी, और अभी इतना कम पानी हो गया कि पब्लिक इसमें नहा रही है। देख सकते हैं आप, हर जगह इस तरीके से हर चौक पर बैरिकेडिंग की गई है। गाइस यहाँ कर अभी हमने लिए कोल्ड कॉफी, और अभी कॉफी चेक करने के बाद आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। बताए आप कहाँ चले? हम मलिक साहब आज चले गाइस गुड़गांव। गुड़गांव किसके पास चल रहा है भाई? गुड़गांव हमारे कुछ खास दोस्त रहते हैं, उनसे मिलकर आएंगे। काफी टाइम हो गया है। बहुत टाइम हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक एसएम ब्लॉग लाइफ स्टाइल चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गुड़गांव। काफी टाइम हो गया, बहुत दिन से घूमने नहीं गए थे, तो आज संडे था, तो आज संडे में चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या इंजॉय करते हैं। ये खड़ी है गाइस हमारी टमटम। साहिल भाई किसी को लेना है क्या रास्ते में से? भाई देखते हैं, वैसे कोई है तो नहीं, अभी चलते हैं। एक भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे प्लान बन सकता है उनका, तो पहले उनको देखते हैं, अगर वो चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चलते हैं इधर। साहिल भाई कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है क्या? भाई शॉपिंग करनी है, आप भी कराओ गया ना। भाई आप मुझे ऐसे ही उठा के ले आए हो आज। तो भाई अभी आ गए हैं, अभी बोल रहे थे, मतलब इनको पता नहीं था घूमने जाना है, बट इन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, प्लान बन चुका है जाने का, तो अब क्या रुकना है। फिर कहने लगे चलो, मतलब कपड़े वगैरह का सीन, मैंने कहा अगर तुम घर जाओगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा जाना, तो अभी रास्ते में ही शॉपिंग वगैरह करेंगे, वही ड्रेस वगैरह इन्हें चेंज करनी है। मैं तो ठीक ठाक लग रहा हूँ माशाल्लाह। देखो बिलसूरी का फ्लाई ओवर गाइस, एक ही साइड बना हुआ है, दूसरी साइड पता नहीं क्यों बना हुआ नहीं है। नीचे चलते हैं वाहन, पता लगाओ इसका, जिसको पता हो कमेंट करके बताओ क्यों बना हुआ नहीं है। आ चुके हैं हम सिकंदराबाद, और अब यहाँ पर खाएंगे साजी की खीर, जो कि फेमस है अपने आप में, हमें तो ज्यादा खास लगती नहीं है, बट फेमस है, क्या करें, खा लेते हैं थोड़ी सी, चेक करके फिर चलते हैं सीधा। साहिल ने टोकन लेकर खीर लेने के लिए गया हुआ है, अभी इसे खीर नहीं मिल रही है। खीर की कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, जल्दी से करो अनबॉक्सिंग। ये मलिक साहब कैसी लग रही है, टेस्ट कैसा है इसका आज? कोई एवरेज भाई, कोई खास नहीं। अच्छा पहले थी, मजा आ रहा था पहले। आपने कहा था कि वहीं चल के खाएंगे कुछ ना कुछ, फेमस है खानी तो पड़ेगी, वीडियो तो दिखानी है। अभी हम साजी से निकल ही रहे थे, अभी हमारे कुछ भाई मिल रहे हैं साहिल भाई के फ्रेंड सर्कल में, तो अभी वही बात चल रही थी, जैसे हम खीर की तारीफ कर रहे थे ऐसे भाई की तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल। तो गाइस अभी हम सिकंदराबाद के मेन चौक पर हैं, श्री महाराजा अग्रसेन चौक, यहीं पर एक सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, और तो कहीं मिलता नहीं है यहाँ पर ट्रैफिक। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम सिकंदराबाद टेस्टी वाइट कैफे, तो अभी चलते हैं इसके अंदर, क्या बेहतर है, अभी चलकर दिखाते हैं आपको किस चीज़ का ज्यादा अच्छा टेस्ट है। गाइस यहाँ कर अभी हमने लिए कोल्ड कॉफी, और अभी कॉफी चेक करने के बाद आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। अभी हमने यहाँ पे कोल्ड कॉफी पी है, बहुत ही शानदार थी। अमित भाई अभी मोमोज लगवा रहे हैं, जो कि स्पेशल बता रहे हैं अपने। तो अमित भाई आपके यहाँ सबसे ज्यादा स्पेशल क्या है? देखिए सर, मेरे यहाँ तो सभी चीज स्पेशल का है, मैं ये बोलूंगा, लेकिन मेरे यहाँ आप एक बार मोमोज खा के देखिए, अगर दीवाने ना हो जाए तो मेरा नाम। एड्रेस क्या होगा आपका? ये सर दमकल रोड पर अग्रसेन डिग्री कॉलेज, उसके पास में पड़ता है। तो गाइज अगर आप बुलंदशहर में रहते हैं, और खासतौर से सिकंदराबाद में, तो अग्रसेन कॉलेज के पास आकर देखें, लोकेशन कितनी प्यारी है, बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि भैया बता रहे हैं मोमोज यहाँ के बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, तो आप एक बार आएँ ट्राई करें, अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो फिर भैया को आप बोल सकते हैं कि हम वीडियो में देख कर आए थे बट हमें पसंद नहीं आए। गाइज अभी आए अफगानी मोमोज हमारे पास, देख सकते हैं आप, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो अभी हम चेक करते हैं खाकर, साहिल चेक करके बताएंगे हमें कैसे लग रहे हैं। अभी हम गए थे कैफे पर, काफ़ी अच्छा था, भैया ने रेस्पॉन्स भी अच्छा दिया था। ये अमित चौधरी हैं सिकंदराबाद के, जिनका ये है, तो टेस्ट हमारे साहिल भाई बताएंगे। भाई अमित चौधरी जो है ना, वो सिकंदराबाद के हैं, बुलंदशहर वाले में मिलना ना, बॉडी बिल्डर जो थे हमारे। तो आज हमें एक चीज देखने के लिए मिली है, सिकंदराबाद से ही कॉमर्शियल वाहन बंद है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में एंट्री नहीं है। ये पता नहीं हमें रीजन क्या है, या तो हो सकता है रेसिंग जो चल रही है यमुना एक्सप्रेस वे पे, उसकी वजह हो सकती है। तो साहिल भाई आपको क्या लगता है? मुझे भी ये मालूम चल रहा है कि जो रेसिंग चल रही है उस वजह से बंद पड़ा है ये सब सिस्टम। तो आज हमें कॉमर्शियल वाहन कोई भी नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक है नहीं, मजे से गाड़ी घूम रही है। देख सकते हैं आप, हर जगह इस तरीके से हर चौक पर बैरिकेडिंग की गई है, आज कोई भी कॉमर्शियल वाहन आपको नहीं दिख सकता चौराहे पर, हर जगह यहाँ पर पुलिस तैनात है। देख सकते हैं ये
जो हमारे पीछे यमुना नदी है, अभी कुछ दिन पहले कितना ज्यादा पानी हो गया था, बहुत ही ओवर हो गया था, तो पब्लिक परेशान थी, और अभी इतना कम पानी हो गया कि पब्लिक इसमें नहा रही है। गाइस देख सकते हैं आप कितना कम पानी हो गया है इसके अंदर, और तब कितना ज्यादा पानी हो गया था इसके अंदर, दूर दूर से पब्लिक देखने आ रही थी ज्यादा पानी, और अब इतना कम हो गया पब्लिक इसमें नहाने के लिए आ रही थी। अभी हम आ चुके हैं ओखला, और ओखला का ट्रैफिक आप देख ही सकते हैं, बट आज तो काफी कम है। यहाँ से हमें अपने भाई की शॉप पर, जोहर भाई की शॉप से यहाँ से हमें खजूर लेने हैं, और उसके बाद हम सीधा जाएंगे साकेत। गुड़गांव का प्लान कैंसिल आता। अभी आए हुए हम जोहर भाई के पास, और यहाँ से हमें क्या लेना था, ड्राई फ्रूट और क्या क्या दिया जोहर भाई? खजूर दिए हैं इनको, खजूर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह चावल दिए बहुत शानदार इनको, बासमती के प्योर एकदम। तो अपनी शॉप का एड्रेस क्या है इसका? J3 टोकन नंबर 4 ओखला गुलफजल जामिया नगर दिल्ली 25। ये देख सकते हैं शॉप का नाम सामने लिखा हुआ है BS स्टोर, इसकी लोकेशन कुछ इस तरह की अंदर से। गाइस अभी हम आ चुके हैं DLF मॉल, आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ का नज़ारा आ रहा है साकेत में। तो अब हमारे साहिल भाई को भी चाहिए फ़ोन, कौन सा चाहिए भाई? 15 प्रो। कितने GB में लोगे? 256। तो यहीं पर DLF में एप्पल का फ़ोन स्टोर है, तो अभी गाइस चलते हैं ऊपर, वहाँ से लेते हैं फिर फ़ोन। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, और काफ़ी प्यारा लग रहा है, खुशबू ज़्यादा है भाई, और भाई मज़ा आ रहा है, मतलब फुल बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ। देख सकते हो आप एप्पल के स्टोर पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। ये भाई मिले, क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमन। अमन भाई, तो फोन लेने आए थे क्या आप भी? अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, क्या नाम है भाई? अमन। ये बहुत लाइट कर दिया भाई, लेके आ गए हैं हमारा KFC का ऑर्डर आ चुका है, और साहिल की बॉडी बननी शुरू। ये देखो ये देख रहे हो तुम आइसक्रीम, इसका दिखाने का पता है मेन रीज़न क्या है? भाई का दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, या आइसक्रीम ले ली। कितने की थी भाई? 699 की भाई, एक रुपया माफ़ी दिया।